सुनो सुनो, एक पहेली है मेरे पास। बिना पैर के खड़ा रहूं, बिना हाथ के सब पूछूं, बिना मुंह के खाऊं पीऊं, जीवन का आधार हूँ, प्रकृति का श्रृंगार हूँ, बताओ कौन हूँ मैं? एकदम सही सोचा, मैं हूँ पेड़। पेड़ प्रकृति की लैब में बनी एक मैजिकल टेक्नोलॉजी है। पेड़ एक मिनी ऑक्सीजन फैक्ट्री है। पेड़ ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए सबसे सस्ती और कारगर टेक्नोलॉजी है। पेड़ एक परफेक्ट एयर प्यूरिफायर है। पेड़ एक एफिशिएंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। पेड़ नेचुरल सॉइल बाइंडर है। पेड़ नेचुरल एयर कंडीशनर है। और यही नहीं, पेड़ एक परफेक्ट नेचुरल हैबिटेट है। इन शॉर्ट, एनवायरमेंटल क्राइसिस से लड़ने की जबरदस्त नेचर मेड टेक्नोलॉजी है पेड़। इसलिए एनवायरमेंटल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पर्यावरण संरक्षण प्रकल्प संरक्षण के अंतर्गत हमने स्टार्ट की एक मैसिव पैन इंडिया सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ट्री प्लांटेशन ड्राइव, द ग्रीन ड्राइव, क्योंकि हमारा मानना है हर पेड़ मैटर करता है। पिछले 2 दशकों में इस मुहिम के तहत देश के 19 राज्यों और 100 शहरों में हमने लाखों लोगों को जागरूक किया है, हजारों पेड़ बांटे व लगाए हैं। पर हमारा काम यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि पेड़ लगाना भर काफी नहीं है। रिपोर्ट्स को अगर देखें तो हर साल हमारे देश में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50-60% ही हैं जो नेक्स्ट सीजन तक सर्वाइव कर पाते हैं। इसलिए द ग्रीन ड्राइव के अंतर्गत हमारा जोर केवल पेड़ों को लगाने तक सीमित नहीं है, हम उनकी देख रेख कर, खाद पानी दे, आफ्टर केयर को इंश्योर कर उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि हमारा नारा है, पेड़ लगाओ भी और खाद पानी देकर उनके विकास को भी सुनिश्चित करो। आफ्टर ऑल, एवरी ट्री इज प्रेशियस एंड इट इज माई ट्री, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। It was in 2018 that I became part of the Green Drive by Sanrakshan. और तब मुझे एक तुलसी का पौधा मिला था। तब वो एक तुलसी का पौधा था, बट अब मेरे घर में एक प्रॉपर छोटा हमारे टेरेस पर एक गार्डन है। सो आई थिंक बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रीन ड्राइव लेड टू दैट चेंज इन मी, कि जहाँ पर आई गॉट इंस्पायर्ड टू यू नो प्लांट मोर ट्रीज। थैंक्स टू डीजीएस संरक्षण टीम, थ्रू देम आई गॉट कनेक्टेड टू दिस अमेजिंग ग्रीन ड्राइव। आई लर्न the valuable human nature connect, which is what the founding principle of DJJS Sanrakshan, that we are one with nature, we are not separate from it, and in terms of nurturing the nature, we are nurturing ourselves in return. मैं तो कब से ये सोचती थी कि कभी हम भी इस प्रकृति के इसमें संरक्षण में कभी योगदान दे पाएंगे, लेकिन आज महाराज जी ने ये सुअवसर हमें दिया है। I've been part of DJJS Sanrakshan Plantation Drive for a very long time now. What I absolutely love about this drive is that they emphasize on planting native and local trees, जो कि urban biodiversity की conservation के लिए बहुत ही ज़्यादा important है. Kudos to Sanrakshan. वृक्ष कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, उससे तो हीट ही बढ़ेगी। तो ये दीदी ने बहुत अच्छा किया है, गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा करवा दिया कि हमारे हाथ से ये पुण्य करवा दिया, तो हम इनको लगाएंगे ही नहीं, एक बच्चे की तरह इनको पालेंगे भी। आप भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम से। इसके लिए djjs.org/contact पर जाकर अपनी नजदीकी DJJS शाखा का पता व नंबर प्राप्त करें, अपने पौधे की रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना नन्हा पौधा पाएं। यदि आपके पास जगह है तो वृक्ष लगाएं, और नहीं तो एक छोटा इंडोर एवरग्रीन पौधा ले जाएं। आपके पौधे का एक यूनिक आईडी होगा और उसके साथ एक QR कोड होगा। QR कोड को स्कैन करें और ग्रीन ड्राइव माई ट्री माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म भरें। यह बहुत सरल है, इसमें अपने पौधे की जानकारी भरें और उसे रोपित कर उसके साथ एक सेल्फी लेकर फॉर्म में अपलोड करें, और साथ साथ सोशल मीडिया पर @DJJS संरक्षण को टैग कर पोस्ट करें। नियमित खाद पानी देकर अपने पौधे की देखरेख करें और हर महीने में
इसी QR कोड को स्कैन कर फॉलो अप फॉर्म के माध्यम से पौधे की प्रगति को हमारे साथ जरूर साझा करें। याद रखिए, जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप सिर्फ एक पौधा नहीं लगा रहे होते, आप एक नया जीवन दे रहे होते हैं, एक नया घर बना रहे होते हैं और पृथ्वी को एक बेहतर जगह बना रहे होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर धरती को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि हर पेड़ मायने रखता है।